हेलो व्यूवर्स, SRK स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिस तरह से हम कैड के अंदर शेम्फर और फिलेट का टू कमांड यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट को फिलेट और शेम्फर करते हैं। इसी तरीके से हम स्केचअप के अंदर शेम्फर और फिलेट के कमांड किस तरह यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हम स्केचअप के अंदर उस पर काम कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलेट किस तरीके से हम स्केचअप के अंदर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शेप को, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं इस तरह से, और एक दूसरा रेक्टेंगल, इसी रेक्टेंगल को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से मूव टूल के ज़रिए से, कंट्रोल प्रेस करके। यहाँ पर मैंने दूसरा एक स्क्वायर लिया। अब इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है, फिलेट करना है। तो फिलेट बेसिकली क्या होता है कि हम एज को जो है वो रेडियस में कन्वर्ट करते हैं, यानी इस एज को हम क्या करेंगे, एक ख़ास रेडियस में, स्पेसिफिक रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक टूल है 1001 बिट। अब ये टूल आपको कहाँ से मिलेगा, ये तमाम तर टूल जिसके अंदर ये फिलेट टू एजेस एंड शेम्फर टू एजेस, ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं। तो ये बेसिकली आप डाउनलोड करेंगे गूगल से, गूगल में आप आएंगे, आप लिखेंगे 1001 बिट टूल, इसके ऊपर जैसे इसको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा। ये आने के बाद यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ नीचे आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये जहाँ पर डाउनलोड है उसकी जगह लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये डाउनलोड होने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे विंडोज़ के अंदर, स्केचअप में विंडो के अंदर आप आएंगे, एक्सटेंशन मैनेजर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि इंस्टॉल एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है। जब इंस्टॉल एक्सटेंशन के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास वो यहाँ पर मौजूद है, तो इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पर वो एक्सटेंशन आ जाएगा जैसे ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। सही है, इसको मैंने क्या किया हुआ, इनेबल किया हुआ है। सही है, तो इस तरह आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले इस एज को हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिलेट करेंगे। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, आपने सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है एक लाइन पर, फिर सेकेंड लाइन पर क्लिक करना है, फिर आपके पास यहाँ पर एक रेडियस आपने वैल्यू देनी है। यहाँ पर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 18 इंचज़ की वैल्यू देता हूँ, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर यह एज जो है वो फिलेट हो गया। दोबारा से करके दिखाता हूँ, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एक इस एज पर और सेकंड इस एज पर, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको वैल्यू दे देते हैं 5 फिट। फिर इसको इस तरह से कर लेते हैं और इसको भी एक वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको दे देते हैं 10 फिट। सही, और इसी तरह इस एज को कोई भी वैल्यू जो आप देना चाहें आप दे दें, और इसको कोई भी वैल्यू आप देना चाहें, फॉर एग्जांपल मैंने 20 दे दी, तो ये आपको दिख रहा होगा कि इसकी एजेस जो है वो फिलेट हो गई। सही है, इसी तरीके से जिस तरह हमने इसके ऊपर इसको फिलेट किया, इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, शेम्फर करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर आना है ये टूल 1001 बिट टूल के अंदर, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट लेंगे, फिर सेकंड लाइन पे क्लिक करेंगे। अब आपसे ये पूछ रहे हैं फर्स्ट शेम्फर का डिस्टेंस कितना है, फॉर एग्जांपल इसको हम दे देते हैं 5 फीट और इसको हम दे देते हैं 7 फीट। ये आपको दिख रहा होगा ये एज जो है वो यहाँ पर शेम्फर हो गया। अब यहाँ पर सेकंड को भी हम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू दे देते हैं 9 फिट और ये 14 फिट। सही है, इस तरह इसको भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इस तरह इसको कर लेते हैं सेम वैल्यू के साथ। सही है, तो इस तरह ये जो है हमारे पास ये शेप भी शेम्फर हो गया और ये जो है वो फिलेट हो गया। तो जिस तरह हम कैड के अंदर करते हैं इसी तरह हम स्केचअप के अंदर भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छी तरीके से
फिलेट और चैम्फर इन स्केचअप ट्यूटोरियल जो है वो समझ में आ गया होगा।